अध्याय 11वां। सगुण ब्रह्म श्री साई बाबा डॉक्टर पंडित द्वारा पूजन हाजी सिद्दीक फालके तत्वों पर नियंत्रण। इस अध्याय में अब हम श्री साई बाबा के सगुण ब्रह्म स्वरूप, उनका पूजन तथा तत्व नियंत्रण का वर्णन करेंगे। सगुण ब्रह्म श्री साई बाबा। ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण निराकार है और सगुण साकार है। यद्यपि वे एक ही ब्रह्म के दो रूप हैं, फिर भी किसी को निर्गुण और किसी को सगुण उपासना में दिलचस्पी होती है, जैसा कि गीता के अध्याय 12 में वर्णन किया गया है। सगुण उपासना सरल और श्रेष्ठ है। मनुष्य स्वयं आकार में है, इसीलिए उसे ईश्वर की साकार उपासना स्वभावतः ही सरल है। जब तक कुछ काल सगुण ब्रह्म की उपासना न की जाए, तब तक प्रेम और भक्ति में वृद्धि ही नहीं होती। सगुण उपासना में जैसे जैसे हमारी प्रगति होती जाती है, हम निर्गुण ब्रह्म की ओर अग्रसर होते जाते हैं। इसीलिए सगुण उपासना से ही श्री गणेश करना अति उत्तम है। मूर्ति, वेदी, अग्नि, प्रकाश, सूर्य, जल और ब्राह्मण आदि सप्त उपासना की वस्तुएं होते हुए भी सद्गुरु ही इन सब में श्रेष्ठ है। श्री साई का स्वरूप आंखों के सम्मुख लाओ, जो वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति और अनन्य शरणागत भक्तों के आश्रयदाता है। उनके शब्दों में विश्वास लाना ही, आसन और उनके पूजन का संकल्प करना ही समस्त इच्छाओं का त्याग है। कोई कोई श्री साई बाबा की गणना भगवत भक्त अथवा एक महाभागवत में करते थे या करते हैं, परंतु हम लोगों के लिए तो वे ईश्वरावतार हैं। वे अत्यंत क्षमाशील, शांत, सरल और संतुष्ट थे, जिसकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। यद्यपि वे शरीरधारी थे, पर यथार्थ में निर्गुण, निराकार, अनंत और नित्य मुक्त थे। गंगा नदी समुद्र की ओर जाती हुई मार्ग में ग्रीष्म से व्यथित अनेकों प्राणियों को शीतलता पहुंचाकर आनंदित करती, फसलों और वृक्षों को जीवन दान देती और जिस प्रकार प्राणियों की क्षुधा शांत करती है, उसी प्रकार श्री साईं संत जीवन व्यतीत करते हुए भी दूसरों को सांत्वना और सुख पहुंचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संत ही मेरी आत्मा है, वे मेरी जीवित प्रतिमा और मेरे ही विशुद्ध रूप हैं, मैं स्वयं वही हूं। ये अवर्णनीय शक्तियां या ईश्वर की शक्ति, जो कि सत, चित और आनंद है, शिरडी में साई रूप में अवतीर्ण हुई थी। श्रुति में ब्रह्म को आनंद कहा गया है। अभी तक ये विषय केवल पुस्तकों में पढ़ते और सुनते थे, परंतु भक्तगण ने शिरडी में इस प्रकार का प्रत्यक्ष आनंद पा लिया है। बाबा सबके आश्रयदाता थे, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता न थी। उनके बैठने के लिए भक्तगण एक मुलायम आसन और एक बड़ा तकिया लगा देते थे। बाबा भक्तों के भावों का आदर करते और उनकी इच्छानुसार पूजनादि करने देने में किसी प्रकार की आपत्ति न करते थे। कोई इत्र और चंदन लगाते, कोई सुपारी, पान और अन्य वस्तुएं भेंट करते और कोई नैवेद्य ही अर्पित करते थे। यद्यपि ऐसा जान पड़ता था कि उनका निवास स्थान शिरडी में है, परंतु वे तो सर्वव्यापक थे। इसका भक्तों ने नित्य प्रति अनुभव किया। ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव के चरणों में मेरा
बार बार नमस्कार है। डॉक्टर पंडित की भक्ति। एक बार श्री तात्या नुलकर के मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। बाबा को प्रणाम कर वे मस्जिद में कुछ देर तक बैठे। बाबा ने उन्हें श्री दादा भट्ट केलकर के पास भेजा, जहां पर उनका अच्छा स्वागत हुआ। फिर दादा भट्ट और डॉक्टर पंडित एक साथ पूजन के लिए मस्जिद पहुंचे। दादा भट्ट ने बाबा का पूजन किया। बाबा का पूजन तो प्रायः सभी किया करते थे, परंतु अभी तक उनके शुभ मस्तक पर चंदन लगाने का किसी ने भी साहस नहीं किया था। केवल एक महलसापति ही उनके गले में चंदन लगाया करते थे। डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली में से चंदन लेकर बाबा के मस्तक पर त्रिपुंडाकार लगाया। लोगों ने महान आश्चर्य से देखा कि बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा। संध्या समय दादा भट्ट ने बाबा से पूछा, क्या कारण है कि आप दूसरों को तो मस्तक पर चंदन नहीं लगाने देते, परंतु डॉक्टर पंडित को आपने कुछ भी नहीं कहा? बाबा कहने लगे, डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने गुरु श्री रघुनाथ महाराज धोपेश्वरकर, जो कि काका पुराणिक के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके समान समझा और अपने गुरु को वे जिस प्रकार चंदन लगाते थे उसी भावना से उन्होंने मुझे चंदन लगाया, तब मैं कैसे रोक सकता था। पूछने पर डॉक्टर पंडित ने दादा भट्ट से कहा कि मैंने बाबा को अपने गुरु काका पुराणिक के समान जानकर ही उन्हें त्रिपुंडाकार चंदन लगाया है, जिस प्रकार मैं अपने गुरु को सदैव लगाया करता था। यद्यपि बाबा भक्तों को उनकी इच्छानुसार ही पूजन करने देते थे, परंतु कभी कभी तो उनका व्यवहार विचित्र ही हो जाया करता था। जब कभी वे पूजन की थाली फेंक कर रुद्रावतार धारण कर लेते, तब उनके समीप जाने का साहस किसी को न हो सकता था। कभी वे भक्तों को झिड़कते और कभी मोम से भी नरम होकर शांति तथा क्षमा की मूर्ति से प्रतीत होते थे। कभी कभी वे क्रोधावस्था में कंपायमान हो जाते और उनके लाल नेत्र चारों ओर घूमने लगते थे, तथापि उनके अंतःकरण में प्रेम और मातृस्नेह का स्रोत बहा ही करता था। भक्तों को बुलाकर वे कहा करते थे कि उन्हें तो कुछ ज्ञात ही नहीं है कि वे कब उन पर क्रोधित हुए। यदि ये संभव हो कि समुद्र नदियों को लौटा दे, तो वे भक्तों के कल्याण की भी उपेक्षा कर सकते हैं। वे तो भक्तों के समीप ही रहते हैं और जब भक्त उन्हें पुकारते हैं तो वे तुरंत ही उपस्थित हो जाते हैं। वे तो सदा भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। हाजी सिद्दीक फालके। ये कोई नहीं कह सकता था कि कब श्री साईं बाबा अपने भक्त को अपना कृपा पात्र बना लेंगे। ये उनकी इच्छा पर निर्भर था। हाजी सिद्दीक फालके की कथा इसी का उदाहरण है। कल्याण निवासी एक यवन, जिनका नाम सिद्दीक फालके था, मक्का शरीफ की हज करने के बाद शिरडी आए। वे चावड़ी में उत्तर की ओर रहने लगे। वे मस्जिद के सामने खुले आंगन में बैठा करते थे। बाबा ने उन्हें 9 माह तक मस्जिद में प्रविष्ट होने की आज्ञा न दी और न ही मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने दी। फालके बहुत निराश हुए और कुछ निर्णय न कर सके कि कौन सा उपाय काम में लाए। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आशा न त्यागो, श्यामा श्री साईं बाबा के अंतरंग भक्त हैं, तुम उनके ही द्वारा बाबा के पास पहुंचने का प्रयत्न करो। जिस प्रकार भगवान शंकर के पास पहुंचने के लिए नंदी के पास जाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार बाबा के पास भी श्यामा के द्वारा ही पहुंचना चाहिए। फालके को यह विचार उचित प्रतीत हुआ और उन्होंने श्यामा से सहायता की प्रार्थना की। श्यामा ने भी आश्वासन दे दिया
और अवसर पाकर वे बाबा से इस प्रकार बोले कि बाबा, आप उस बूढ़े हाजी को मस्जिद में किस कारण नहीं आने देते? अनेक भक्त स्वेच्छापूर्वक आपके दर्शन को आया जाया करते हैं, कम से कम एक बार तो उसे आशीष दे दो। बाबा बोले, श्यामा, तुम अभी नादान हो। यदि फकीर नहीं आने देता है तो मैं क्या करूं? उनकी कृपा के बिना कोई भी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। अच्छा, तुम उससे पूछाओ कि क्या वो 12वीं कुएं की निचली पगडंडी पर आने को सहमत है। श्यामा स्वीकारात्मक उत्तर लेकर पहुंचे। फिर बाबा ने पुनः श्यामा से कहा कि उससे फिर पूछो कि क्या वो मुझे 4 किश्तों में 40,000 रुपए देने को तैयार है। फिर श्यामा उत्तर लेकर लौटे कि आप कहें तो मैं 40,00,000 रुपए देने को तैयार हूं। मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूं, उससे पूछो कि उसे क्या रुचिकर होगा, बकरे का मांस, नाद या अंडकोश। श्यामा ये उत्तर लेकर लौटे कि यदि बाबा के भोजन पात्र में से एक ग्रास भी मिल जाए तो हाजी अपने को सौभाग्यशाली समझेगा। ये उत्तर पाकर बाबा उत्तेजित हो गए और उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी का बर्तन उठाकर फेंक दी और अपनी कफनी उठाए हुए सीधे हाजी के पास पहुंचे। वे उनसे कहने लगे कि व्यर्थ ही नमाज क्यों पढ़ते हो, अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन क्यों करते हो, ये वृद्ध हाजियों के समान वेशभूषा तुमने क्यों धारण की है, क्या तुम कुरान शरीफ का इसी प्रकार पठन करते हो, तुम्हें अपने मक्का हज का अभिमान हो गया है परंतु तुम मुझसे अनभिज्ञ हो। इस प्रकार डांट सुनकर हाजी घबरा गया। बाबा मस्जिद को लौट आए और कुछ आमों की टोकरियां खरीदकर हाजी के पास भेज दी। वे स्वयं भी हाजी के पास गए और अपने पास से 55 रुपए निकालकर हाजी को दे दिए। इसके बाद से ही बाबा हाजी से प्रेम करने लगे तथा अपने साथ भोजन करने को बुलाने लगे। अब हाजी भी अपनी इच्छानुसार मस्जिद में आने जाने लगे। कभी कभी बाबा उन्हें कुछ रुपये भी भेंट में दे दिया करते थे। इसी प्रकार हाजी बाबा के दरबार में सम्मिलित हो गए। बाबा का तत्वों पर नियंत्रण। बाबा के तत्व नियंत्रण की 2 घटनाओं के उल्लेख के साथ ही ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। एक बार संध्या समय शिरडी में भयानक झंझावात आया। आकाश में घने और काले बादल छाए हुए थे। पवन झकोर रहा था, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। जहां देखो वहां जल ही जल दृष्टि गोचर होने लगा। सब पशु पक्षी और शिरडीवासी अधिक भयभीत होकर मस्जिद में एकत्रित हुए। शिरडी में देवियां तो अनेकों हैं परंतु उस दिन सहायतार्थ कोई न आई, इसलिए सभी ने अपने भगवान साई से, जो भक्ति के ही भूखे थे, संकट निवारण करने की प्रार्थना की। बाबा को भी दया आ गई और वे बाहर निकल आए। मस्जिद के समीप खड़े होकर उन्होंने बादलों की ओर दृष्टि कर गरजते हुए शब्दों में कहा कि बस शांत हो जाओ। कुछ समय के बाद ही वर्षा का जोर कम हो गया, पवन मंद पड़ गई तथा आंधी भी शांत हो गई। आकाश में चंद्रदेव उदित हो गए। तब सब लोग अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर लौट आए। एक अन्य अवसर पर मध्याह्न के समय धुनी की अग्नि इतनी प्रचंड होकर जलने लगी कि उसकी लपटें ऊपर छत तक पहुंचने लगी। मस्जिद में बैठे हुए लोगों की समझ में न आता था कि जल डालकर अग्नि शांत कर दें अथवा कोई अन्य उपाय काम में लावें। बाबा से पूछने का साहस भी कोई नहीं कर पा रहा था, परंतु बाबा शीघ्र परिस्थिति को जान गए। उन्होंने अपना सटका उठाकर सामने के खंभे पर बलपूर्वक प्रहार किया और बोले, नीचे उतरो और शांत हो जाओ। सटके की प्रत्येक ठोकर पर लपटें
कम होने लगी और कुछ मिनटों में ही ध्वनि शांत और यथापूर्वक हो गई। श्री साई ईश्वर के अवतार हैं, जो उनके सामने नत होकर उनके शरणागत होगा उस पर वे अवश्य कृपा करेंगे। जो भक्त इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पठन करेगा, उसका दुखों से शीघ्र ही छुटकारा हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, वरन उसे सदैव श्री साई चरणों का स्मरण बना रहेगा और उसे अल्पकाल में ही ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होकर उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और इस प्रकार वो निष्काम बन जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।